ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग कुछ प्रश्नों के जवाब देना चाहते हैं। हम कुछ लोगों ने प्रश्न किया है, कुछ हमारे प्रिय बंधु जो चाहते हैं कि उनका जवाब दिया जाए, तो निश्चित तौर पर हम प्रश्नों का जवाब वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं जिससे अन्य लोग भी लाभ ले सकें। तो आप समझने का प्रयास करिए कि पहला लिखने वाला प्रश्न जो आदमी है कुंगुर ब्रह्मा लिखते हैं कि सर ब्रह्मचर्य में पूर्ण वीडियो देखना भी मना है। तो निश्चित तौर पर भैया जी पूर्ण वीडियो देखना तो बिल्कुल मना है, और पूर्ण वीडियो देखना ही नहीं अश्लील बातें करना भी मना है, अश्लील दृश्य देखना भी मना है, अश्लील सुनना भी मना है। तो निश्चित तौर पर यह समझने का प्रयास करिए कि पूर्ण वीडियो देखना मना है। दूसरा लिखने वाले हमारे प्रिय बंधु हैं दिलजले ब्रह्मचारी लिखते हैं कि आपकी एज क्या है, आज से आपको अपनी मोटिवेशनल गुरु मानता हूँ। तो निश्चित तौर पर भैया हमारा तो उम्र इस समय घर वालों के हिसाब से 24-25 साल का हुआ, लेकिन तो यदि आप मार्कशीट के हिसाब से देखेंगे तो 22 साल का हुआ, 20/6/2000 हमारा जन्मतिथि है। तीसरा प्रश्न करने वाले बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं अमन कुमार, गुरुजी मेरे चेहरे पर ग्लो और कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या वह वापिस आ सकता है जो हमारा पहले था? तो निश्चित तौर पर वापिस आ सकता है, जब आप नियम और अनुशासन के साथ चलेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके चेहरे पर ग्लो और चमक निश्चित तौर पर आने वाली है, ये समझने का प्रयास करिए अमन कुमार जी। और यहाँ पर हमारा जो चौथा प्रश्न करने वाले हैं ये समझिए कि नॉलेज विल गिव यू पावर, ये लिखते हैं कि क्या भैया जी आपको कितना दिन हो गया ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए? तो भैया हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज लगभग 270 दिन के ऊपर हो चुके होंगे, उससे कम नहीं हुए होंगे, और वैसे भी हम गिनते नहीं और गिनना भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न लिखते हैं विकास मालव जी लिखते हैं कि मांस या आदि नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तप है, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अनुशासन जरूरी है, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए नियम जरूरी है, भगवान की भक्ति जरूरी है, तब जाके ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, जय श्री राम। तो बिल्कुल विकास मालव जी जो आप लिख रहे हैं निश्चित तौर पर 100% सही लिख रहे हैं, इसमें हमें कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी लिखे हैं निश्चित तौर पर सही है। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को इन तरीके से ही चलना होगा, तभी जाकर वो ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रश्न हमने लिया था ये कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमें लगे कि इन प्रश्नों से सभी लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसित करिए जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ओम नमः शिवाय।